देश भर में आज भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मौके पे दिल्ली सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को दिया है तोहफा, यानी आज से डीटीसी बसों में महिलाएं करेंगी मुफ्त यात्राएं। हम डीटीसी बस में मौजूद हैं, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, जो बस में सफ़र कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज के दिन से अब दिल्ली में जो महिलाएँ डीटीसी बस में फ्री यात्रा करेंगी, सरकार का कैसा कदम है? आप बताइए, आज के दिन से अब आप लोग फ्री यात्रा करेंगे बस में, कैसा कदम है सरकार का? अच्छा कदम है सरकार का, बहुत अच्छा कदम है। महिलाओं के लिए ये योजना और पुलिस की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया, वो बहुत अच्छा कदम है। हाँ जी, सरकार ये चाहती है कि मेट्रो में भी आप लोगों की यात्राएं फ्री हो, क्या चाहती है, क्या उम्मीद है, फ्री होनी चाहिए? हाँ जी, मेट्रो में भी महिलाओं के लिए फ्री होनी चाहिए। हाँ जी, आपको क्या लगता है, फ्री यात्रा सही है? हाँ सही है जी, फ्री यात्रा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और मार्शल तैनात किए जा रहे हैं, क्या लगता है मैम, सरकार का ये कदम कैसा है? सरकार का ये कदम सही है, ये जो सुविधाएं सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से निभाई हैं, और सुविधाएं भी होनी चाहिए लेडीज़ों के लिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगाने चाहिए, गलियों में भी होने चाहिए, बहुत अच्छा कदम। क्या लगता है, मेट्रो भी फ्री होनी चाहिए आप लोगों के लिए, सरकार कह रही कि मेट्रो में भी फ्री करेंगे? जी, मेट्रो में भी फ्री होनी चाहिए सुविधाएं। यानी सरकार के फैसले की तायद कर रही हैं महिलाएं, यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं। मैम क्या लगता है, आज तो टिकट नहीं लिया होगा आपने, फ्री है? नहीं, आज तो टिकट नहीं लिया, मगर हाँ होना चाहिए, मेट्रो में होना चाहिए कि महिलाओं को सुविधा रहना चाहिए। हाँ चाहते हैं कि मेट्रो में भी हो जाए, कि जाने आने में आराम हो इंसान का, क्या करना। दिल्ली की महिलाओं में भाई दूज के दिन ये जो फ्री यात्रा का तोहफा मिला है उसको लेके खुशी है, और जो बसों में सिक्योरिटी का मामला दिल्ली सरकार ने मार्शल तैनात किए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसकी भी महिलाएं सराहना कर रही हैं। महिलाओं की उम्मीद है कि जो दिल्ली सरकार का प्रपोजल है दिल्ली मेट्रो में यात्राएं फ्री होने का, उस पर भी सकारात्मक पहल जल्द से जल्द होनी चाहिए। कैमरामैन सोमेंद्र के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।